बॉयज़ कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है प्रो बॉयज़ के एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आज स्मैकडाउन में जो आपने देखा होगा कि कैसे अभी कॉडी और चैलेंज कर रहे थे सोनू सिकोवा को, और वहीं पर चेकोफा टू और पूरी टीम मौजूद थी। गाइज आपको पता है कि यहाँ पर मैच जब हुआ था, यहाँ पर मनी द बैंक के अंदर जब अटैक हुआ था चेकोफा टू पर, और सोनू सिकोवा ने आरकीओ और सब कुछ यूज़ किया था, लेकिन फिर भी चेकोफा टू पर कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ पर लगता भाई क्या होगा अब कॉडी रॉड्स की टीम का, क्योंकि अब यहाँ पर पूरे ट्राई कर रहे हैं कॉडी रॉड्स हराने का सोनू सिकोवा को। लेकिन यहाँ पर भाई एक बात है, यहाँ पर जो कॉडी रॉड्स की टीम में है सिर्फ तीन मेंबर्स हैं अभी, केविन ओवेंस, कॉडी रॉड्स और रैंडी ऑर्टन। लेकिन गाइस यहाँ पर जो चेकोफा टू है उनमें फोर मेंबर्स कंप्लीट हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो नुकसान है कॉडी रॉड्स को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है यार यहाँ पर जो आज हुआ और हर बार हो रहा है, मतलब कॉडी रॉड्स को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी लगता है क्या उनके साथ रोमन रेंज आ सकते हैं गाइस, क्योंकि चांसेस वही लगते हैं मुझको कि शायद रोमन रेंज साथ दे सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा फिर से अगले स्मैकडाउन में होगा तो शायद तक जिमी ओसोस या फिर रोमन रेंज या तो ब्रॉक लेसनर, यहाँ पर थ्री चॉइस हैं यहाँ पर सात फोर्थ मेंबर की, कोई ना कोई यार तीनों में से आएगा, या तो सीएम पंक हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा जो कि हेल्प करेगा कॉडी रॉड्स की, क्योंकि सबकी अलग अलग टीम है। और देखते हैं कौन आएगा, रोमन रेंज या फिर ब्रॉक लेसनर, आप लोग बताओ यार क्या हो सकता है आपकी। लगभग तो चांसेस समर स्लैम आने वाला है, और समर स्लैम में मैचेस ब्रॉक लेसनर के हुए थे और साथ साथ रोमन रेंज ने भी प्ले किया था समर स्लैम, तो शायद तक अब के फिर से मौका मिल सकता है इन दोनों को वापसी करने का। शायद तक अभी जो समर स्लैम पहले करीब यहाँ पर स्मैकडाउन में एंट्री कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंज, क्योंकि यार जो टीम है बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, और जो मैच है अभी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कॉडी रॉड्स को, क्योंकि यहाँ पर उनको अपना अनडिस्ट्रीब्यूट चैम्पियनशिप वाला टाइटल है बचाना है, तो फिर यहाँ पर उनको फोर्थ मेंबर की हेल्प लगेगी, क्योंकि यहाँ बराबर टीम होगी तभी जीत पाएंगे, वरना भाई कोई ना कोई अटैक कर देगा, दिक्कत होगी। तो फिर ठीक है, अभी इसके बारे में बात करी, और आज भाई कॉडी रॉड्स पर जो भी अटैक हुआ उसके बाद रैंडी ऑर्टन वहाँ पर आते हैं, और गाइस पता नहीं केविन ओवेंस कहाँ पर थे, शायद तक केविन ओवेंस शायद नहीं आए थे वहाँ पर, लेकिन रैंडी ऑर्डन आए थे और लेकिन मार भी वो भी खा गए अच्छा खासा, यहाँ पर टेबल पर उठा के दिम मारा गया उनको रैंडी ऑर्डन को, अच्छी खासी चोटी उनको भी आ गई है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले समय में, क्या यहाँ पर कोई हेल्प करेगा कॉडी रॉड की, भाई करेगा ये तो फिक्स है भाई, कोई ना कोई करेगा ही, कौन करेगा ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, ब्रॉक लेसनर करेंगे या फिर रोमन रेंज करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग रात तक अगले स्मैकडाउन में देख सकते हैं किसी को न्यू एंट्रेंस न्यू मेंबर किसी को भी देख सकते हैं हम लोग, क्या तक चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मनी द बैंक में जो हुआ और स्मैकडाउन में हुआ वो भी बहुत ही गलत हो रहा है कॉडी रॉड्स के साथ। अभी देखते हैं कौन साथ आता है कॉडी रॉड्स के, और समर स्लैम में तो भाई फिक्स है सोनू सिकोवा और कॉडी रॉड्स का मैच होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पर 4 अगस्त को मैच शायद होगा, कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यार मैच तो होना ही है इन दोनों का, और भी कई सारे मैच होंगे बड़े बड़े मैच, सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर का हो सकता है समर स्लैम के अंदर, और भी कई सारे होंगे। तो यहाँ पर ठीक है, हमने इसके बारे में बात कर ली है, और हम लोग यहाँ पर जब ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस होगा कि कौन सी टीम क्या करेगी, तो उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे यार क्या होने वाला है। तो ठीक है, अभी जो मैचेस उनके भी शायद 2 क्लियर हो चुके हैं शायद तक अभी, लेकिन सोनू सिकोवा और कॉडी का मैच फिक्स है वो होने वाला है, और शायद तक वहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए भी आ जाए, या फिर उससे पहले कोई आ जाए हेल्प करने के लिए, क्योंकि यार अभी भाई बस बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 15 दिन बचे हैं मैच होने को, 15-16 दिन उसके बाद मैच होगा। तो गाइस ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और क्योंकि यार अभी चेकोफा टू ने भी जो हमारी ऑस्ट्रेलियन थ्योरी की टीम थी उन पर भी अटैक किया है, और भी लोगों पर अटैक किया है,
और अभी क्या होगा वो तो देखते हैं।